नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अभिषेक मौर्य है। मैं VNR कंपनी में एक प्रतिनिधि के रूप में इस एरिया में काम करता हूं। आज हम आए हुए हैं एक गांव में जहां के एक जागरूक किसान है अनिल भाई। तो यहां पर हमारी एक वैरायटी लगी हुई है 2253। तो आइए चलते हैं, जानते हैं 2253 की कहानी किसान के जुबानी। तो आइए मनोज भाई। नमस्कार अनिल भाई, और कैसे हैं? अच्छे हैं, बढ़िया बढ़िया। एक बार किसान भाइयों का अपना नाम बताइएगा। अनिल बागुल। अनिल बागुल, गांव कौन सा है? जाखाना। ये कौन सी वैरायटी लगी हुई है यहां पर? ये VNR के 2253। कितना किलो आपने लगाया? 8 किलो। अनिल भाई ने 8 किलो लगाया हुआ है 2253। ये कितने दिन की वैरायटी आपको पता है? 120 से 125 दिन की वैरायटी है। इसकी कुछ खासियत है जो कि हम अनिल भाई से पूछेंगे। पहले हम बताएंगे, फिर अनिल भाई से पूछते हैं कि क्या ये चीज़ इसमें इनको देखने को मिली कि नहीं मिली। तो अनिल भाई, इस वैरायटी की 4 खासियत है जो कि हमें औरों से अलग करती है और डांगर से हमें विजेता बनाती है। इसकी पहली खासियत, 120 से 125 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। आप देखेंगे लगभग 120 दिन हो चुका है, पक के तैयार हो गया है, कटाई के स्टेज पे है। दूसरी जो इसकी खासियत है कि सिरे तक भरी हुई वजनदार इसमें बालियाँ आती हैं। आप देखिए अनिल भाई, अगर ये बाली की बात करें तो लगभग 1 फीट की इसमें बाली आई है और पूरी की पूरी भरावदार वजनदार बालियां हैं। जो तीसरी खासियत है इसकी, प्रति पौधे ज़्यादा उत्पादित कल्ले आते हैं। आपको जितने भी इसमें पुटाव मिलेंगे सब के सब में आपको बालियां मिलेंगी। ऐसा नहीं कि कोई आप पौधा आप देखिए उसमें पुटाव है उसमें बालियां ना, जितने भी इसमें आपको पुटाव हैं पौधे में सब में आपको बालियां देखने को मिलेंगी, है ना। जो चौथी इसकी खासियत है, गर्दन तोड़ व सुकारा के प्रति सहनशील है। आप देखेंगे इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, गर्दन तोड़ या सुकारा BLB या ब्लास्ट प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है। तो अनिल भाई, आपको कैसी लगी ये वैरायटी? वजनदार तो है ही। वजनदार है ही, हाँ। और गर्दन तोड़ नहीं है। गर्दन तोड़, हाँ, वो चीज़ देखा हमने। तो और खेडूत भाइयों को क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा तो कहना यही है कि ये साल मैंने किया, अगले साल 2-3 फार्मर ज़्यादा हो, मतलब कि। और इसमें खातर आपने कुछ डाला? क्योंकि डांग जिला है, डांग जिले में खातर, आपको हम बता दें कि डांग जिले को यहाँ की सरकार ने पूरा का पूरा नेचुरल घोषित कर दिया है। तो अनिल भाई से हम पूछते हैं क्या इन्होंने खातर डाला? अनिल भाई, अपने खातर डाला इसमें? सिर्फ सेंद्रिय खातर, मतलब कि गाय के गोबर का जो खातर होता है उसी को इन्होंने इसमें डाला है, और किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद इसमें उपयोग में नहीं हुआ है। फिर भी आप देखिए बालियों की लंबाई आपको मिलती है, हाइट अगर आप देखते हैं 3.5 से 4 फीट के आसपास आपको मिलती है, और बालियाँ सब एकदम मोटी व गुच्छेदार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई आपका।